बिहार में इंडिया गठबंधन बड़े धर्म संकट में है। एक तरफ पूर्णिया से पप्पू यादव की उम्मीदवारी के बाद गठबंधन के अस्तित्व पर कई सवाल खड़े रहे, दूसरी तरफ कांग्रेस चाहकर भी पप्पू यादव पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी क्योंकि अपनी पार्टी का विलय कराने के बाद भी पप्पू यादव कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। कहने को तो बिहार में महागठबंधन साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूर्णिया में जिस तरह से पप्पू यादव ताल ठोके हुए हैं, वो कांग्रेस और आरजेडी दोनों के लिए मुसीबत बन गया है। ये सीट आरजेडी को समझौते के तहत मिली है और उसने बीमा भारती को टिकट दिया है, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय नामांकन कर चुके हैं। कांग्रेस ने उनको अल्टीमेटम देते हुए पर्चा वापस लेने को कहा था, लेकिन पप्पू यादव अभी भी अड़े हुए हैं। हालांकि ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय के बाद भी पप्पू यादव कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं, लिहाजा कांग्रेस उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसी बात को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस आरजेडी ये लोगों को यूज करते हैं और यूज एंड थ्रो उनका है, उसी में ये सारी खेल हो रहा। बिहार में इस बार के चुनाव में सीएम नीतीश कुमार एनडीए के पाले में है। पीएम मोदी के साथ बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का वायदा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में डिग्री के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर वार कर रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी पहले गाना गाती थी कि महंगाई डायन खाए जात है, अब यही महंगाई उनके लिए महबूबा हो गई है। पहले महंगाई इनके लिए डायन नौकरी थी, अब महबूबा हो जाए नौकरी है तो महंगाई। जाहिर है बिहार की सियासी लड़ाई में इस बार लालू और एनडीए के बीच जबरदस्त मुकाबला है। नीतीश और लालू इस बार अपने दमखम के जरिए एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।